jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 49 साल की विकी जोन्स ने अपनी दादी के 115 साल पुराने बॉक्स को जब खोलकर देखा तो जो चीज उसे मिली उसके बारे में खुद विकी ने कभी नहीं सोचा था। साउथ यॉर्क में रहने वाली विकी ने 115 साल पुराना बॉक्स जब खोलकर देखा तो उसके अंदर चॉकलेट थी। इतनी पुरानी चॉकलेट का रंग पूरी तरह बदल चुका था। विकी कहती है कि इसके लाजवाब टेस्ट की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। विकी को लग रहा था कि कहीं इतनी पुरानी चॉकलेट खाकर वे बीमार ना हो जाएं, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि चॉकलेट खाने के बाद वे बीमार नहीं हुईं। ये चॉकलेट उनकी दादी ग्रेन एलेन सिल्स ने लगभग 115 साल पहले खरीदी थी। एलेन की 1990 में अचानक मौत हो जाने के बाद ये चॉकलेट विकी को एक खूबसूरत बॉक्स में रखी हुई मिली। अपनी दादी के पुराने सामान के साथ विकी को 2 चॉकलेट के बॉक्स मिले। उसमें से एक बॉक्स खाली था, दूसरे बॉक्स में टेस्टी चॉकलेट रखी हुई थी। विकी कहती हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि दादी ने इतने सालों तक इस चॉकलेट को संभाल कर क्यों रखा। शायद ये हो सकता है कि ये चॉकलेट उन्हें पसंद नहीं आई होगी, इसलिए उन्होंने इसे अपने सामान में रख दिया और फिर भूल गई। विकी के अनुसार अगर मैं आज इस चॉकलेट को बेच दूं तो मुझे अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये चॉकलेट इस साल उनका सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट है।